लास्ट ईयर जो बोल रही थी ना, ग्लव्स चाहिए ग्लव्स चाहिए, आ गया तुम्हारे फ्लिपकार्ट से ग्लव्स, मंगा दिया है मैंने, इस ठंडी मत बोलना कुछ। ये वर्क करेगा? बिल्कुल वर्क करेगा, ट्राई करके देखो, अब समझ में आएगा उसके बाद। ठीक है, यूज करके देख लेती हूँ। वैसे भी मेरे हाथ बहुत खराब हो रहे हैं। तो दिन भर पानी का काम में रहेगा तो किचन में तो हाथ तो खराब होंगे ही। देखने में तो सही लग रहा है, पहन के देखती हूँ। इसको आए 4 दिन हो गए हैं, अब मैं सबको फुर्सत नहीं है इसको पहनने की, ट्राई करने की, ठंडी लग रही है बस। हाँ, पर लेकिन ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा समझ में ही नहीं आ रहा था। पहनने तो दीदी जब लगाओगी तब तो समझ में आएगा ना कि वर्क करेगा कि नहीं। में भी फिट आ रहा है। इसका वन साइज ही आता है, इसमें अलग से कोई साइज नहीं है। ओके, ऐसे ही धोना है ना? मतलब इसको, इसमें ज्यादा कुछ दूसरा कुछ तो यूज नहीं करना है, सिर्फ लिक्विड और लेके डायरेक्ट यूज करना है। नहीं, इसमें देसी घी भी मिलाना है, सरसों का तेल थोड़ा। तेरी तो आ गया ये फिर से, दिख दिख मारा मारा। हाँ, धुला तो रहा है, मतलब अच्छे से हो जा रहा है, पर मुझे लगता है ये जिसमें जो सादा नॉर्मल बर्तन है उसके लिए तो ये ठीक है, पर लेकिन जो हार्ड जैसे दूध के भगोने रहेंगे उसके लिए दिक्कत करेगा। कुछ दिक्कत नहीं करेगा, करोगी ना तो सब हो जाएगा क्लियर। तुमको करना ही नहीं है नाटक, करना है बस, दिक्कत आएगा दिक्कत आएगा। चलो देख लेते हैं। अभी कप्स में देखो, कप्स में तुमको कोई दिक्कत आ रही है? एकदम नहीं, इजीली नहीं। इसके जो ब्रिशल्स बने हैं वो पूरे ग्लव्स भी बने हैं आगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई तुमको दिक्कत आएगी। हाँ अगर कोई ज्यादा, अरे इतने चम्मच कहाँ से आ जाते हैं यार? तुम जब देखो तब पीनट बटर दे दो 1 चम्मच, पीनट बटर दे दो 1 चम्मच। एक बार खा लिया और उसके बाद जो 10 चम्मच है तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के हैं, ठीक है? एक बार 1 चम्मच खाते हो, दिन भर में 5 बार 6 बार, तो 6 चम्मच हुए। ये अच्छा देखो झाग दाग आ तो रहा है आ रहा है इसमें। इसमें, हाँ, बट मेरे को लगता है अंदर तुमको तो वो स्कॉच ब्राइट का जो आता है वो यूज करना ही पड़ेगा, स्क्रबर यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके ब्रिशल्स बहुत सॉफ्ट है ना, जो कम गंदे बर्तन से उनके लिए ही है, कढ़ाई भगोने इन सब के लिए तो मुझे लगता है वो यूज करना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ना, ग्लव्स के ऊपर लेके कर रही हो ना, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है पकड़ने में, हाँ बट यही है, तुमको ठंडी में पूरा प्रोटेक्ट करेगा ये। ठंडी में भी, और ये पकड़ने से भी तो हाथ में ही गड़ते हैं ये जो है हाँ स्क्रबर। हाँ छिल भी जाते होंगे उससे तो। देखो मैं इसको धुल के दिखाती हूँ। धुलने के बाद तो सही लग रहा है ये, देखो साफ भी हो गया। शाइन भी आ गई नीचे। सही, तो काम तो कर रहा है भाई, बट अब हाँ वही है इसको डेली यूज करना है, और इसमें एक चीज ध्यान देना है, अंदर पानी ना जाए, पानी अगर ग्लव्स के अंदर चला गया तो सूखने में बहुत टाइम लगेगा। कोई नहीं, ये रबड़ का सूख जाएगा जल्दी। और ये बार बार ग्लव्स निकालना बैठाना तो जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी तुम ड्रामा कर रही हो तो चलो ठीक है, चलता है एक बार। नहीं, वो जो लिक्विड है इसको निकालने के लेना पड़ता, नहीं तो स्लिप करेगा तो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सर्फ लगा है। और ये जो कढ़ाई है तुम्हारा, ये ज्यादा गंदा बाहर से तो नहीं दिख रहा है, तो ये मेरे को लगता है इससे ही हो जाएगा, बट फिर भी तुम स्क्रबर यूज कर रही हो, चलो अब वो तो तुम्हें ही पता है सिस्टम क्या है। हाँ, कहाँ से और मंगाया था तुमने ये? फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये, बाकी वेंडर्स का भी था, बट मुझे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का सबसे सही लगा, इसके लिए वही ऑर्डर कर दिया, कम से कम इस ठंडी तो छुटकारा मिलेगा। बाकी भाइयों अपने धर्म पत्नी के लिए भी ऑर्डर कर लो जल्दी जल्दी फ्लिपकार्ट से, ठंडी में राहत मिलेगी। बाय बाय।